इंदौर शहर में बीती रात युवक द्वारा युवती को गोली मारने के बाद खुद की गनपट्टी पर गन रखकर ट्रिगर दबाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस के अनुसार युवती का MY अस्पताल में इलाज जारी है और युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। इंदौर शहर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र के आदर्श महिला नगर में एक सिरफिरे युवक ने पहले युवती को गोली मारी और फिर खुद को शूट कर लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जी हाँ, सनसनीखेज मामले के बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायल युवती को MY अस्पताल भेजा, वहीं युवक की मौत हो गई। SP महेश चंद्र जैन ने बताया कि आदर्श इंदिरा नगर स्थित एक घर में लगभग 25 से 26 वर्ष के नवीन परमार ने मोहिनी नरवरिया नामक लड़की को गोली मारी और बाद में खुद की कनपट्टी और बंदूक रखकर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की माने तो घायल युवती MY अस्पताल में भर्ती है और फिलहाल खतरे से बाहर है। वहीं नवीन परमार की मौत हो चुकी है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लगभग 9 बजे के करीब आदर्श इंदिरा नगर थाना छतरीपुरा क्षेत्र में एक युवक द्वारा एक युवती के साथ में उसको गोली मारी गई, जो उसकी कनपट्टी को छूते हुए निकल गई। युवती को MBH में भेजा गया है और उसका इलाज चल रहा है और अभी वर्तमान स्थिति में वो खतरे से बाहर है। जिस युवक ने उसको गोली मारी, वो युवक ने बाद में उसी कमरे में अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जो प्रारंभिक रूप से पता लगा है कि लॉकडाउन के पहले युवक और युवती दोनों ही एक पब में काम करते थे। विस्तृत जानकारी का जानकारी ली जा रही है। युवक का नाम नवीन परमार है, लगभग 25-26 साल की उम्र है, जो पूर्व में साथ में काम करता था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।